लाल किले से मोदी मंत्र। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्र की तरक्की से लेकर कृषि क्षेत्र के विकास तक करीब हर क्षेत्र पर अपनी बातें रखी हैं। मोदी ने कहा है कि कश्मीर में गाली और गोली से नहीं बल्कि गले लगाकर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया आज भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कर रही है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2022 तक अंतरिक्ष में भारत यान भेजेगा। आज हम अपने खास कार्यक्रम लाल किले से मोदी मंत्र में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की बड़ी बातें। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुधवार को लाल किले की प्राचीर से 82 मिनट का भाषण दिया, जो 15 अगस्त को दिया गया उनका तीसरा सबसे छोटा संबोधन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल यानी साल 2017 में स्वतंत्रता दिवस पर अपना सबसे छोटा भाषण दिया था, तब उनका भाषण 54 मिनट का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विकास कार्यों में सरकार की गति का भी बखान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश की उपलब्धियों को गिनाया। अपने 82 मिनट के भाषण में यूपीए के मुकाबले अपने सरकार के कामकाज की स्पीड की तुलना भी की। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2022 तक भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। उन्होंने बेटियों को बड़ा तोहफा देते हुए महिलाओं के लिए सेना में स्थायी कमीशन की घोषणा भी की। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना बीमा देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 25 सितंबर से लागू करने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। राष्ट्र एक विशाल शक्ति है जो असंख्य छोटी छोटी इकाइयों को संगठित ऊर्जा का मूर्त रूप देती है। श्री अरविंद की ये कल्पना ही आज देश के हर नागरिक को आगे देश को ले जाने में जोड़ रही है। लेकिन हम आगे जा रहे हैं, वो पता तब तक नहीं चलता है जब तक हम कहां से चले थे उस पर अगर नजर न डालें, कहां से हमने यात्रा का आरंभ किया था अगर उसकी ओर नहीं देखेंगे तो कहां गए हैं, कितना गए हैं, इसका शायद अंदाज नहीं आएगा। 2022 तक अंतरिक्ष में मानवयान। अब जल्द ही अंतरिक्ष में भी भारत का डंका बजेगा। जी हां, दरअसल लाल किले की प्राचीर से बड़ी घोषणा करते हुए पीएम ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से मैं एक खुशखबरी देता हूं। देश ने संकल्प लिया है कि 2022 या उससे पहले माँ भारत का कोई संतान, बेटा हो या बेटी, अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे। आजादी के 75 साल से पहले इसे पूरा करना है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। मेरे प्यारे देशवासियों, आज इस लाल किले की प्राचीर से मैं देशवासियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा है, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब, या हो सके तो उससे पहले, आजादी का 75 साल मनाएंगे तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। मंगलयान से लेकर के
भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा हिंदुस्तान ही लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं देश के वैज्ञानिकों को, देश के टेक्नीशियंस को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस महान काम के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देशवासियों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले, इसलिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। आरोग्य कभी बीमारी, कितना ही मध्यम वर्ग का सुखी परिवार क्यों ना हो, अच्छी खासी आय रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, एक बार घर में बीमारी आ जाए तो व्यक्ति नहीं पूरा परिवार बीमार हो जाता है, कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी के चक्र में फंस जाता है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवीय को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। 12 साल बाद लहलहा रहे हैं नील कुरिंजी के फूल। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को आजादी के पावन पर्व की बधाई देते हुए नील कुरिंजी फूल का भी जिक्र किया, जो साल में एक बार नीलगिरी की पहाड़ियों में खिलता है। पीएम ने कहा कि इस बार ये फूल पूरे 12 साल बाद खिला है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में 12 वर्ष में एक बार नील कुरिंजी का पुष्प उगता है। इस वर्ष दक्षिण की नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह हमारा नील कुरिंजी का पुष्प जैसे मानो तिरंगे झंडे के अशोक चक्र की तरह देश के आजादी के पर्व में लहलहा रहा है। बेटियों ने 7 समंदर पार किया। आजादी पर्व के इस मौके पर पीएम ने उन बेटियों का भी जिक्र किया जिन्होंने अपने साहस और हौसले के दम पर 7 समंदर पार किया है। सुनिए देश की बेटियों को लेकर पीएम ने क्या कुछ कहा। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश में आज सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला सुप्रीम कोर्ट में जज हमारी बैठी हुई है। कोई भी भारत की नारी गर्व कर सकती है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में आज 3 महिला माननीय न्यायाधीश आज हमारे देश को न्याय दे रही हैं। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, आजादी के बाद ये पहली कैबिनेट है जिसमें सर्वाधिक महिलाओं को स्थान मिला है। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं, जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं। देश की महिलाएं नए और शक्तिशाली भारत के निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। हमारी मां बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है। खेत से लेकर
खेल के मैदान तक हमारी महिलाएं हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ऊंचा कर रही है। सरपंच से लेकर के संसद तक हमारे देश की महिलाएं देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। स्कूल से लेकर के सेना तक हमारे देश की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है। तीन तलाक पर बोले पीएम। देश में तीन तलाक का मुद्दा गर्म है, लिहाजा पीएम ने इस मुद्दे का जिक्र अपने भाषण में किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी तीन तलाक पर संसद में बिल लेकर आई, लेकिन कुछ लोग इसे पास नहीं होने देना चाहते। ये राक्षसी मनोवृत्ति, उससे समाज को मुक्त कराना होगा, देश को मुक्त कराना होगा। कानून अपना काम कर रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों के केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा। हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही सोच यही विकृति अक्षम्य अपराधों को जन्म देती है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं दिया जा सकता है। और परिवार में भी, स्कूलों में, कॉलेज में, प्रचार माध्यमों में हमारे बच्चों की, हमारी नई पीढ़ी, फूल जैसे नादान बच्चों की परवरिश ऐसे हो ताकि उसके रगों में संस्कार हो, महिलाओं का गौरव करने का, उसके दिल दिमाग में भरा हो कि महिलाओं का सम्मान ये जीवन जीने का सही तरीका होता है, नारी का गौरव ये जीने का सही रास्ता हो सकता है। ये हमें परिवारों में भी ये संस्कार देने होंगे। भाइयों बहनों, संविधान में सभी के लिए समान अधिकार। आजादी के इस मौके पर पीएम ने महात्मा गांधी को याद किया और कहा कि आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। पूज्य बापू के नेतृत्व में नौजवानों, सत्याग्रहियों ने अपनी जवानी जेलों में काट कर हमें आजादी दिलाई है। उन्होंने कुछ सपने भी संजोए थे। आजादी से पहले तमिलनाडु के कवि सुब्रमण्यम भारती ने कहा था, भारत दुनिया को सभी बंधनों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा। आगे के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर के लिए वाजपेयी के किस रास्ते का जिक्र पीएम ने किया और नॉर्थ ईस्ट को लेकर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या अहम बात की। बस आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि अब बदलाव का वक्त है, हम मक्खन नहीं पत्थर पर लकीर खींचने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 2013 की रफ्तार से चलते तो कई कामों में दशकों लग जाते। लाल किले पर भाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ट्विटर पर बधाई दी। कश्मीर के लिए वाजपेयी का रास्ता पीएम मोदी के भाषण में अहम था। जम्मू कश्मीर को लेकर किया गया जिक्र, पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें रास्ता दिखाया था, हम उन्हीं की तरह इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संतुलित विकास हो, हम जन जन को गले लगा कर बढ़ना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें रास्ता दिखा है और वही रास्ता सही है, उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन तीन मूल्य मुद्दों को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर बेली हो, संतुलित विकास हो, समान विकास हो, वहां के सामान्य मानवी की आकांक्षाओं को पूर्ण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिले और साथ साथ
जन जन को गले लगा करके चले, इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ना चाहते। हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं, गले लगा करके मेरे कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं अच्छी खबरें। मोदी ने कहा कि एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट की खबरें आती थी तो लगता था खबरें ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट से अच्छी खबरें रही हैं। खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के गांव में बिजली पहुंचने और इंटरनेट पहुंचने की खबरें आ रही हैं। जब कभी नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी तो क्या खबरें आती थी? वो खबरें जो लगता था अच्छा हो, ऐसी खबरें ना आए तो अच्छा हो। लेकिन आज मेरे भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से उन खबरों को लेकर के आ रहा है जो देश को भी प्रेरणा दे रहा है। आज खेल के मैदान में देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट की दमक नजर आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज नॉर्थ ईस्ट की खबर आ रही है कि आखिरी गांव में बिजली पहुंच गई और रात भर गांव नाचता रहा। आज नॉर्थ ईस्ट से ये खबर आ रही है, आज नॉर्थ ईस्ट में हाईवे, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज और इंफॉर्मेशन वेज, हाईवेज, उसकी खबरें आ रही है। नॉर्थ ईस्ट के तरफ आज बिजली के ट्रांसमिशन लाइन लगाने का बहुत तेजी से काम आज नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवान वहां बीपीओ खोल रहे हैं। आज हमारे शिक्षा संस्थान नए बन रहे हैं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बन रहा है। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मेजबानी कर रहा है। भाइयों बहनों, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है। हमने 4 साल के भीतर भीतर दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पर लाकर के खड़ा कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने भाषण में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना कहीं भी प्राकृतिक आपदा होने पर पहुंचाती है, मुसीबत में घिरे लोगों को बाहर निकालती है, लेकिन वहीं सेना जब संकल्प लेकर निकलती है तो सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन के दांत खट्टे करके लौटती है। देश नई उमंग से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की सेना कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा हो पहुंच जाती है। संकट से घिरे मानव को रक्षा के लिए हमारी सेना करुणा, माया, ममता के साथ पहुंच जाती है। लेकिन वही सेना जब संकल्प गले करके चल पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों के दांत खट्टे करके के आ जाती है। दुनिया का बदला नजरिया। भारत की धमक अब पूरी दुनिया में बढ़ रही है और आज पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। पीएम के मुताबिक 2014 से पहले दुनिया की ओर से कहा जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में जोखिम है, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि सुधारों से बदलाव आ रहे हैं। दुनिया तब रेड टेप की बात कहती थी और आज रेड कार्पेट की बात कर रही है। याद करिए 2014 के पहले दुनिया की गणमान्य संस्थाएं, दुनिया के गणमान्य अर्थशास्त्री, दुनिया में जिनकी बात को अधिकृत माना जाता है, ऐसे लोग कभी हमारे देश के लिए क्या कहा करते थे। वो भी एक जमाना था जब दुनिया से आवाज उठती थी, विद्वानों से आवाज उठती थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिस्क भरी है, उनको रिस्क दिखाई देता था। लेकिन आज वही लोग, वही संस्था है, वही दोस्त बड़े विश्वास के साथ कह रही है कि रिफॉर्म मोमेंटम फंडामेंटल को मजबूती दे रहा है। कैसा बदलाव आ गया। एक समय था घर में हो या घर के बाहर दुनिया एक ही कहती है, रेड टेप की बात करती थी, लेकिन आज रेड कार्पेट की बात हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 100 तक पहुंच गए, आज पूरा विश्व इसको गर्व से ले रहा है। वो भी भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी।
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में अब भारतीय पासपोर्ट की अहमियत बढ़ी है। आज भारत ग्लोबल वार्मिंग की बात करने वालों के लिए उम्मीद बना है। आज कोई भी भारतीय जब कहीं कदम रखता है तो उसका स्वागत होता है। भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। विश्व में यदि कहीं भी हिंदुस्तानी संकट में होते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि देश हमारे साथ खड़ा है। आज कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं पर भी पैर रखता है तो विश्व का हर देश उसका स्वागत करने के लिए लालायित होता है। उसकी आंखों में एक चेतना आ जाती है हिंदुस्तानी को देख करके। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। हर भारतीय के आत्मविश्वास ने एक नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प पैदा किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व में कहीं पर भी अगर मेरा हिंदुस्तानी संकट में है तो आज उसे भरोसा है कि मेरा देश मेरे पीछे खड़ा रहेगा, मेरा देश संकट के समय में मेरे साथ आ जाएगा और इतिहास गवाह है। कुल मिलाकर अपने 82 मिनट के भाषण में पीएम ने न केवल अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया बल्कि भविष्य के भारत का सपना भी दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वर्ष 2019 में शानदार और भव्य प्रयाग कुंभ का आयोजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी की 72वीं वर्षगांठ पर विधान भवन के द्वार पर झंडारोहण कर प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि ये वो मौका होता है जब हम एक राष्ट्र के रूप में खुद का मूल्यांकन करते हैं। आजादी के बाद देश ने खूब प्रगति की है पर अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। आज का यह 72वां स्वतंत्र दिवस है। ऐसे स्वतंत्रता दिवस पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आह्वान करूंगा कि गए समय पर जितना मतदान हुआ है उससे अधिक मतदान करके जो जनतंत्र का असली मतलब है वह सिद्ध करने की कोशिश करें। और इस भूमिका में मुझे तो लगता है कि यह संकल्प सिद्धि का वर्ष है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयुष्मान योजना को लॉन्च किया गया है। इससे प्रदेश की 6 करोड़ जनता लाभान्वित होगी। सरकार ने गरीबों को छत मुहैया कराने का संकल्प लिया है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है विगत कुछ महीनों के दौरान प्रदेश के अंदर कुछ नए कार्य प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश, इस प्रदेश ने इस देश के गांवों में निवास करने वाले उन नागरिकों के लिए जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर योगी ने अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि वो आह्वान करते हैं कि प्रदेश की जनता खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपने के साथ खुद को जोड़े। उन्होंने पुलिस और पीएसी के जवानों को भी नमन किया और कहा कि जवानों के परिवार के सहयोग और सम्मान के लिए राज्य सरकार हमेशा मददगार साबित होगी। इस देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले हमारे बहादुर जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का हो या फिर प्रदेश की सुरक्षा में योगदान देने वाले बहादुर पुलिस और हमारे विभिन्न उन मिलिट्री, पैरामिलिट्री या फिर पीएसी के जवानों के योगदान का हो, उन सब के प्रति सर्वोच्च भाव व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण कर समस्त प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में तमाम देश कहां खड़े हैं और हमारा देश कहां है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ जहां हम आजादी का जश्न मना रहे हैं
वहीं दूसरी ओर हमें संकल्प लेना चाहिए कि देश का किसान कैसे खुशहाल रहे। दुनिया के दूसरे देश कहां पहुंच गए, हम उन देशों के मुकाबले पर कहां खड़े हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आज लाल किले पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने दोबारा संकल्प लिया है कि वो सामाजिक न्याय को दिलाने का काम करेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर लाल किले से बात कही गई हो सामाजिक न्याय की, तो शायद पूरे देश के लोग इस बात का भरोसा करेंगे कि उन्हें भी सामाजिक न्याय मिल जाएगा। आजादी के पर्व का ये त्योहार पूरे प्रदेश में काफी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नेशनल वॉइस के लिए लखनऊ से अक्षत दत्त जोशी की रिपोर्ट। Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and the notification.